हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के दौरान बर्फबारी होने के आसार हैं। ऐसे में सोलन के सनवारा टोल प्लाजा के समीप लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि भारी मात्रा में टूरिस्ट हिमाचल पहुंच रहे हैं। क्रिसमस मनाने और नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों का हिमाचल पहुंचना लगातार जारी है। बता दें कि क्रिसमस मनाने के साथ ही हिमाचल में स्नोफॉल देखने की इच्छा से पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि आज भारी संख्या में सोलन के सनवारा टोल प्लाजा पर जाम देखने को मिला। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है। बता दें कि हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं। वहीं आज भी आसमान में बादल छाए हुए नजर आए, जिसकी वजह से टूरिस्ट को पूरी आशा है कि क्रिसमस पर इस बार जरूर बर्फबारी होगी। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आना लगातार जारी है। वहीं टोल प्लाजा से सामने आई तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों में और टूरिस्ट बसों में किस तरह से पर्यटकों का हिमाचल पहुंचना जारी है। वहीं सोलन पुलिस भी दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से जाम होने के बावजूद भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रूप से चल रही है। वहीं आने वाले दिनों में ये जाम और बढ़ सकता है। इसको देखते हुए भी सोलन पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने के चलते किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस पर अगर बर्फबारी होती है तो और भी पर्यटक हिमाचल की ओर रुख करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।